नमस्कार बच्चों, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से मनीषा त्रिपाठी आज आपको बसंत के एक पाठ को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है पतझड़ की टूटी पत्तियां। और पतझड़ की टूटी पत्तियां लिखा है रविंद्र केलेकर जी ने। ये रविंद्र केलेकर जी हैं और उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि गोवा मुक्ति आंदोलन में वो शामिल थे, गांधीवादी चिंतक थे और अपने व्यक्तिगत विचारों को वो देश और समाज से जोड़ने का काम करते थे। और पाठ प्रवेश में लेखक ने बताया है कि कविता का गुण होता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना, जैसे बिहारी को कहा जाता है कि दोहे में वो बहुत कुछ कह देते थे। लेकिन रविंद्र केलेकर जी अपने छोटे से गद्य में, कविता नहीं गद्य में ही, वो बहुत सारी बातें बता देते हैं जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे दो घटनाएं बताई हैं, एक गिन्नी का सोना और दूसरा झील की देव। गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। कह रहे हैं गिन्नी का सोना जो लोग होते हैं, जो व्यवहारिक लोग हैं, जो केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं और जिन आदर्शों की वो बात करते हैं वो उन आदर्शों को कभी भी तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बताया है कि वो लोग समाज के लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद दूसरा प्रसंग उन्होंने दिया है झेन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की इस पद्धति। झेन का मतलब होता है ध्यान, तो ध्यान की पद्धति को बताया है जो जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन का पल पाने के लिए उस परंपरा को अपनाते हैं। तो आज आप ये दो नई बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां का गिन्नी का सोना। आप सबने गिन्नी का नाम जरूर सुना होगा। गिन्नी सोने से बनती है लेकिन उसमें तांबा भी मिलाया जाता है। तांबा क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसको बहुत कठोर बनाया जाता है जिससे उसे आभूषण बना सके। अगर शुद्ध सोने का आभूषण होता है तो वो मेल्ट होने लगता है, टूटने लगता है, जरा सा गर्मी में इधर मुड़ जाता है और उसको आप पहन नहीं सकते। तो आभूषण बनाने के लिए स्त्रियाँ गिन्नी के सोने का प्रयोग करती हैं। गिन्नी का सोना ऐसे तो बहुत चमकदार होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या वो शुद्ध सोने की बराबरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। क्यों? वो हम पढ़ते हैं अभी। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है इसलिए वो ज्यादा चमकता है, शुद्ध सोने से ज्यादा मजबूत है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो वो है गिन्नी का सोना ही। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसा होता है, जैसे शुद्ध सोना मूल्यवान होता है, गिन्नी के सोने से ज्यादा मूल्यवान होता है, वैसे ही शुद्ध आदर्श भी व्यवहारवादी लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं? देखिए, चंद्र लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, चला कर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडलिस कहकर उनका बखान करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शवादी लोगों की बहुत निंदा करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते। वो कहते हैं अरे वो तो ऐसे ही थ्योरेटिकल आदमी है और हम प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल आइडलिस्ट हैं। प्रैक्टिकल मतलब हम व्यवहारिक है, जो समाज में ज़रूरी है उसको अपनाते हैं, जो ज़रूरी नहीं है उसको फेंक देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो ऐसा करकर आदर्शवादों की वादियों की वो उपेक्षा करने लगते हैं। तो ऐसे व्यवहारवादी तांबे को मिला देते हैं आदर्शों में, यानी अपने आदर्शों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। पर बात ना भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और व्यवहारिक सूझबूझ भी आगे आने लगती है। जब वो अपने बारे में बताते हैं तो पहले तो वो आदर्शों के बारे में बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतने व्यवहारिक होते जाते हैं कि अपने जीवन मूल्यों को कब पीछे छोड़ देते हैं पता ही नहीं चलता, और वो सभी चीजों से, सभी गलत चीजों से समझौता करने लगते हैं।
सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि तांबे की तो चल रही है, सोने को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत रुपया पैसा है, और आदर्शवादी व्यक्ति बेचारा गरीबी में रह रहा है, उसके आदर्शों को कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। अब जो व्यवहारवादी होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी प्रशंसा कैसे हो, तो वो कहते हैं कि देखिए जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट तो गांधी जी भी थे, लेकिन गांधी जी से उनकी तुलना करना सरासर गलत बात है। व्यवहारिकता को गांधी जी पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना चलता। कहते गांधी जी आदर्शों को मानते थे और व्यवहारिक भी कहते थे अपने को, लेकिन क्या वास्तव में व्यवहारिकता में अपने आदर्शों को छोड़ना चाहिए? गांधी जी ने कभी नहीं छोड़ा। व्यवहारिक होते हुए भी उन्होंने आदर्शों को के सिद्धांतों को इतना अपनाया कि लोग उनके पीछे पीछे उनके सिद्धांतों को अपनाने लगे। ऐसा नहीं कि लोगों के कहने में उन्होंने अपने सिद्धांतों का त्याग कर दिया। तो ऐसे लोग वास्तव में शुद्ध सोना होते हैं। शुद्ध सोना मतलब जो आदर्शों से समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज को अपने साथ चलाने लगते हैं, उनमें आदर्श पिरो देते हैं। गांधी जी के आदर्श क्या थे? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, ये सारे आदर्शों के बारे में वो खुद भी पालन करते हैं और अपने अनुयायियों को भी कहते हैं कि उसका पालन करो। अब आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के कहने पर कितने लोगों ने हथियार छोड़ दिए, लाठियां खाई पुलिस की। कौन करता है? किसी के कहने पर कौन लाठियां खाता है? कितने लोग फांसी के फंदे पर झूल गए लेकिन उफ भी नहीं की, कारागार में पड़े रहे केवल गांधी जी के कहने पर। अहिंसा अपना लिया, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया। तो ये आदर्श गांधी जी स्वयं भी अपनाते थे, तब दूसरों को प्रेरित करते थे कि वो भी उन आदर्शों को पालन करें, और उनके आदर्शों को से सीख कर, उससे प्रभावित होकर देश एकजुट हो गया। सारे देश के लोग उनके साथ साथ चलने को तैयार हो गए। तो वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। तो अब आगे देखते हैं व्यवहारवादी लोग वो कैसे होते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग होते हैं, मतलब जो वो करते हैं हमेशा उसका कैलकुलेशन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं अगर मैं ये करूँगा तो इसका ये परिणाम होगा, वो करूँगा तो उसका वो परिणाम होगा। भले ही हमें गलत चीज़ों को अपनाना पड़े, लेकिन अपनी बात हुक बाय क्रुक कैसे भी अपनानी होगी। लाभ हानि का हिसाब हर समय लगाते रहते हैं, वे बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करते। जीवन में सफल दिखते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या ऊपर चढ़ते हैं वो लोग? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, ये महत्व की बात होती है। ये काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने किया है कि वो खुद तो अच्छे रास्ते पे चलते हैं, समाज को भी एक नया रास्ता दिखाते हैं, एक नवीन मार्ग दिखाते हैं जिससे लोग उसके पीछे चल सकें, उनको अपना नायक मान सकें। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वो आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ ही है। कहते शाश्वत मूल क्या है? जो कभी खत्म नहीं होते, दया है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, झूठ ना बोलना, किसी को ना मारना, ये सारे शाश्वत मूल्य पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो ये जो शाश्वत प्राचीन मूल्य है ये आदर्शवादी लोग ही हमें देते हैं और यही समाज को चलाते हैं। व्यवहारवादी लोग तो समाज को गिराने का काम करते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल आइडलिस्ट बनने के बजाय शुद्ध सोना बनना चाहिए, जीवन में आदर्शों को, सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। लेखक ने यही संदेश हमें दिया है। धन्यवाद।
नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको झेन की देन पढ़ाऊंगी। झेन की देन जापान में एक बौद्धिक परंपरा है, उसके बारे में लेखक ने हमें बताया है। और लेखक का नाम आपको पता ही है, रविंद्र केलेकर जी, जिनके बारे में अभी आप गिन्नी का सोना में पढ़ चुके हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब हम अपने से आपस में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो लेखक के मित्र उन्हें बताते हैं कि जापान में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक महीने का काम एक दिन में करते हैं, तो उनके दिमाग की जो स्पीड है वो बढ़ गई, जैसे इंजन लग गया उसमें। तो इंजन भी एक ना एक दिन तो खत्म होता ही है जब आप बहुत ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं। तो वो इतना ज्यादा काम करते हैं, उनका तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको मानसिक रोगी हो जाते हैं और मानसिक रोग हो जाता है उनको। तो उसके लिए वो एक बौद्धिक परंपरा को अपनाते हैं। कौन सी बौद्धिक परंपरा है देखते हैं। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी की जमीन एक सुंदर पर्ण कुटी थी, यानी चटाई की बनी हुई, दफ्ती की बनी हुई एक पर्ण कुटी थी और 6 मंजिला इमारत थी। वहां पर वो लेके जाते हैं कि लोग यहाँ पर तनाव दूर करने के लिए आते हैं। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोछे, अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन है? जो चाय बनाकर पिलाता है। वो हमें देखकर खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो झो का मतलब है आइए, तशरीफ लाइए, यानी बैठ जाइए आके। तो उसको जापानी में क्या कहते हैं? दो झो। कहकर हमारा स्वागत किया, बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जय वंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खत बताना भी सुनाई पड़ रहा था। कह रहे बहुत शांति वहाँ पर थी, लेखक जहाँ पर गए थे। और चाजीन ने जब चाय चढ़ाया, इतना गरिमापूर्ण ढंग से उसने चाय बनाई, एक एक स्वर सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो भी खत बनाने की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, बर्तन को रखने की आवाज़ है, चाय डालने की बात आवाज़ है, वो सब में एक जो आवाज़ है वो संगीतमय है, एक लय है उसमें, वो सब सुनाई पड़ रही थी क्योंकि वहाँ पर इतनी शांति थी, वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही बैठे थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों का प्रवेश नहीं किया जाता था। 3 से अधिक लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक घूंट चाय पीते रहे कि 2 घूंट चाय थी और उसको काफ़ी देर तक पीना था।
1.5 घंटे तक वो उसको पीते रहे। थोड़ी थोड़ी देर में चुस्कियाँ लेते गए, 1.5 घंटे तक उनका ये चुस्कियों का काम चलता रहा और 2 घूंट चाय वो लोग उसी धीमी स्पीड से पीते रहे। पहले 10-15 मिनट में तो मैं बहुत उलझन में पड़ा, लेखक को बहुत उलझन हुई, क्या है इतने धीरे धीरे क्यों। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, इतनी शांति, ऐसा लगा कि मानो बहुत सालों से वहीं रह रहे, अनंत काल से वहां पे बैठे हो। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है, धीमी होती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल से जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई पड़ने लगा, सन्नाटे की साए साए आवाज़ भी उनको सुनाई पड़ने लगी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए 3 दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। कह रहे हैं ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको तनाव क्यों होता है, या तो वो पुरानी बातों को सोचता है, उसकी चाय खराब यादें हैं उसके बारे में सोचेगा, कोई अच्छी यादों के बारे में उसी के सपने देखता रहता है, कोई भविष्य के बारे में सोचता रहता है कि मैं तो इतना बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास ये होगा, ऐसे पैसा कमाऊंगा, ऐसे रखूंगा, तो भविष्य में कैसे काम करूंगा, ये सब सोचता रहता है। लेकिन जो वर्तमान है, जो उसको जीना है, जो काम उस दिन उस पल में करना है, इस बारे में कोई भी मनुष्य सोचता नहीं, और इसीलिए उसको बहुत तनाव होता है। तनाव इसलिए होता है कि पास्ट की बातें जो कभी आ नहीं सकती वापस, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, आप उसके बारे में सोच रहे हो, और उस भविष्य के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में आपको पता नहीं, हो सकता वो अच्छा हो, आप सोच रहे हो कि वो गलत हो रहा है, लेकिन वो दोनों काल क्या है, मिथ्या है। लेखक कहते हैं कि बौद्ध परंपरा में ये बताया गया है, जैन परंपरा में, कि हमें वर्तमान पल में जीना चाहिए, क्योंकि न भूतकाल सच है न भविष्यकाल सच है, केवल अटल क्या है, वर्तमान काल, क्योंकि वो हटने वाला नहीं है, टलने वाला नहीं है, अटल है। तो हमें इसलिए वर्तमान में जीने की आदत कब होती है, जब आप 100% उसी वर्तमान पर ध्यान दो। लेकिन लोग उसी वर्तमान को छोड़कर या तो पीछे होते हैं या आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन इस पल क्या करना है, कितने ध्यान देकर काम करना है, जो भी काम करना है अच्छे से करना है, इस बात का ध्यान वो नहीं रखते हैं। तो जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम। लेखक कह रहे हैं झेन परंपरा की ये बड़ी देन जापानियों को मिली है, और ये झेन परंपरा बौद्ध धर्म से उनके पास आई है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। झेन परंपरा और गिन्नी का सोना के बारे में रविंद्र केलेकर जी ने जो घटना बताई, जो बातें बताई, वो वास्तव में हमारे जीवन में कितनी सत्य है, ये हम आज कल अनुभव कर रहे हैं, तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। किन्नी का सोना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, कि हमें आदर्शों पर चलना चाहिए, हमें व्यवहारिकता के नाम पर अपने आदर्शों को तोड़ना मनोड़ना नहीं चाहिए। और झेन की परंपरा में क्या बताया है, कि हमें हमेशा झेन की परंपरा को मानते हुए वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, ना भविष्य में जीना चाहिए ना भूतकाल में जीना चाहिए, क्योंकि दोनों मिथ्या है, केवल वर्तमान भी अटल है, सत्य है। तो हमें इस समय वर्तमान काल में जो भी काम करना है उसको ध्यान से करना चाहिए, चाहे उसकी गति धीमी क्यों ना हो। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।